अब चार दिन विदर्भ वासी लेंगे गर्मी से राहत की सांस। नागपुर हवामान विभाग संचालक ने जानकारी दी है कि अगले चार दिन विदर्भ में बारिश की संभावना है, जिसमें 8 अप्रैल को अधिक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। नागपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है, आने वाले चार दिनों में उन्हें इस कड़ी धूप से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, यह जानकारी साझा किए नागपुर प्रादेशिक हवामान विभाग के संचालक मोहनलाल साहू ने। उन्होंने बताया कि एक द्रोणिका बनी है छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक, जो कि विदर्भ से होती हुई गुजरेगी, जिससे विदर्भ में 5, 6, 7, 8 अप्रैल को मौसम ठंडा रहेगा। कुछ स्थानों पर बारिश होगी, हालांकि 8 अप्रैल को अधिक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन 11 अप्रैल के बाद गर्मी में तेजी से इजाफा होने की जानकारी भी संचालक साहू ने दी है। 11 के बाद गर्मी का पारा 40 से पार होगा। ऐसे में नागरिकों को बढ़ते तापमान के मद्देनजर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बदलते मौसम के कारण बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी की सेहत पर असर होने की आशंका है। अभी एक द्रोणिका बनी हुई है छत्तीसगढ़ से लेके कर्नाटक तक, विदर्भ के ऊपर से जा रही, तो उसके कारण अगले चार दिन जो है विदर्भ में बारिश होगी, खासकर 7 और 8 को थोड़ा ज़्यादा है। 8 तारीख को कुछ स्थान में बारिश होगी, बाकी 5, 6, 7 को जो है एक दो स्थानों पे बारिश होगी। तो अभी टेम्परेचर कोई खास चेंज नहीं होगा, ये बारिश के कारण में थोड़ा क्लाउडीनेस आना शुरू हो जाएगा, आज शाम से या कल से क्लाउडीनेस शुरू हो जाएगा। तो अभी गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी लोगों को। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में मौसम फिर जब खुलेगा, तो ये जब द्रोणिका का असर ख़त्म हो जाएगा, तो 11 अप्रैल के बाद में गर्मी बढ़ेगी। अभी तक तो जो हम लोग को जो मॉडल्स में दिख रहा है, मतलब तो जैसे बताया, अगले 4-5 दिन अभी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। टेम्परेचर अभी जो चल रहा है 36 से 38 के बीच में ही रहेगा। उसके बाद में 40 जो है 11 के बाद से जो है विदर्भ में 40 से ऊपर जाना शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल अगले 4-5 दिन जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश की भी संभावना है, क्लाउडीनेस रहेगा, द्रोणिका के कारण मॉइस्चर भी आएगा बंगाल की खाड़ी से, तो अभी टेम्परेचर उतना नहीं है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान, BCN न्यूज़ नागपुर।